हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी बीएड और बीए बीएड या बीएससी बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था रीट के एग्ज़ाम को लेकर तो काफ़ी बच्चों के ये कमेंट्स आए थे कि हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो क्या हम रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या वो फर्स्ट ईयर के अंदर रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरा, जो बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हैं तो उनका भी यही डाउट है कि क्या हम बीएससी बीएड के सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में ये रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि आगे आने वाली है। अब तो सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है और कौन नहीं, ये फाइनल तभी होता है जब उसका नोटिस आता है। उस नोटिस में वो क्लियर कर देते हैं कि वो किन स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, जिनका बीएड या डीएलएड जो भी आपका बीएसटीसी वो कंप्लीट हो चुका है वो स्टूडेंट्स उसका फॉर्म भरेंगे, या फिर वो अपीयरिंग वाले बच्चों को भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ आती है, फाइनल नोटिस आता है तब। अब मैं यदि पिछली बार की बात करूं, जब मैंने अपना रीट का प्री एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मेरा था बीएड सेकंड ईयर, ठीक है। तो मैंने बीएड सेकंड ईयर में वो जो रीट की वैकेंसी आई थी तो रीट का प्री का फॉर्म भरा था। उसमें उस वक्त जब रीट का प्री का फॉर्म भरा था तो उसमें लिखा हुआ था कि मतलब जिनका बीएड क्लियर है, जिनका बीएड पास है वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिनका अपीयरिंग है, अपीयरिंग का मतलब यानी जो लास्ट ईयर में है, बीएड के सेकंड ईयर में है, वो भी उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरा बीएड सेकंड ईयर था तो मैंने अपीयरिंग से वो फॉर्म मतलब जो एग्ज़ाम फॉर्म था वो भरा था, और उसमें अपीयरिंग में जो आपका ईयर है ना कि आप किस ईयर में उसको पास कर लोगे बीएड को, तो वो ईयर लिखने में आता है, और वो ईयर उसका आता है कि आपकी बीएड डिग्री कब कंप्लीट हो रही है। जैसे मेरा बीएड सेकंड ईयर था तो मैंने उसमें अपीयरिंग में और फिर उसमें ये लिखा आया था कि ये 2023 में कंप्लीट हो जाएगी, तो उस तरीके से वो फॉर्म मैंने भर दिया था, ठीक है। तो रीट का प्री का एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन जब रीट का प्री के बाद रीट का मेंस का फॉर्म भरने में आया तो उसमें उन्होंने अपीयरिंग का ऑप्शन ही नहीं डाला था। तो रीट के मेंस के एग्ज़ाम फॉर्म में जब भरने में आ रहे थे उसमें बीएड की परसेंटेज पूछी जा रही थी। इसी तरीके से जो बीएसटीसी वाले डीएलएड वाले उनसे भी उनकी परसेंटेज पूछी जा रही थी, जो कि फाइनल बीएड की कंप्लीट होने के बाद, मार्कशीट आने के बाद आपको पता चलती है। तो उस वक्त तो हमारे बीएड के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं लगे थे, तो वह मार्कशीट तो कहाँ से, मतलब अपने मार्क्स तो कहाँ से ही भरती है उसमें परसेंटेज वगैरह। यानी मैं उसका प्री का फॉर्म तो भर के मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस का मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। तो इसी तरीके से जब वो फाइनल नोटिस आता है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आते हैं, तब पता चलता है कि वो किनको ले रहे हैं और किनको नहीं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वो मेंस में भी अपीयरिंग वालों को ले लेते हैं, ताकि जब तक रीट मेंस का रिजल्ट आए तो जिनका जैसे बीएड कंप्लीट हो जाए, जिनका रिजल्ट आ जाए फाइनल बीएड और बीएसटीसी का, वो भी उसके लिए मतलब फाइनल उनको जॉब मिल जाए। बट पिछली बार उन्होंने नहीं लिया, जिनका अपीयरिंग में था उनको नहीं लिया उन्होंने मेंस के अंदर, तो इस बार भी कुछ कह नहीं सकते। प्री के अंदर तो शायद आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दो, अपीयरिंग में आप लगा सकते हो और प्री का, रीट का जो प्री का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हो। बट मेन दिक्कत आती है कि आप मेंस एग्ज़ाम दे पाओगे या नहीं, तो वो चीज़ क्लियर होती है उस वक्त जब मेंस के फॉर्म भरने में आते हैं या फिर उसका जो नोटिस निकलता है उसमें वो चीज़ें वो क्लियर कर देते हैं कि वो अपीयरिंग वालों को ले रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अब बीएसटीसी में एडमिशन लिया है, बीएड में एडमिशन लिया है, बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स रीट प्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन रीट मेंस का आप दे पाओगे या नहीं वो चीज़ नोटिस आने पर क्लियर होगी। अब एक पॉइंट और कि जो बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो तो कतई ये चीज़ निकाल दो दिमाग से कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि जब आपका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं होगा, जो आपके स्टार्टिंग के 3 साल होते हैं वो तो आपके ग्रेजुएशन के ही होते हैं, जब तक आपका ग्रेजुएशन का ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप रीट का एग्ज़ाम कैसे भर दोगे। मतलब तो वो चीज़ आपके रीट के जो एग्ज़ाम होती है वो बीएड जो आपकी डिग्री चल रही होती है उसके लिए होता है। तो आप स्टार्टिंग के 3 साल तो ये फॉर्म ही नहीं भर सकते, और यदि आप फॉर्म भर भी दोगे तो वो जो मतलब रीट का प्री लगता है, फिर मेंस लगता है, फिर रिजल्ट जिसका आता है, ज्वाइनिंग जो होती है, वो पूरा आपका 1-1.5 साल के अंदर कवर हो जाता है। यानी मैक्सिमम आपका 1 साल या 1.5 साल में वो आपके पूरे उसकी जो प्रोसेस होती है रीट के एग्ज़ाम की वो कम्प्लीट हो जाती है। तब तक आपकी मार्कशीट ही नहीं आएगी बीएड की फाइनल की, तो उस चीज़ में फिर आप रह जाओगे, तो उससे कोई सेंस वाली बात नहीं निकलेगी कि आप बीए बीएड या बीएससी बीएड के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर उसको एग्ज़ाम को दे पाओ।
ठीक है, तो वो चीज़ें टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करती है। कहीं वो जैसे आपका क्या बोलते हैं, ये रीट का जो एग्ज़ाम लगते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, आगे डेट खिसक गई उसकी, तो फिर वहाँ पर टाइमिंग का इफेक्ट थोड़ा देखने को मिलता है। बाकी ये है कि यदि आप प्रॉपर टाइमिंग के साथ लेके चलो तो आपके बीएड रीट के जो मेंस का फॉर्म भरने में आएगा तब तक कंप्लीट हो रही है या फिर नहीं हो रही, वो चीज़ पर मैटर करती है। तो यही सब बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल तो ये है कि जैसे जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले या बीएड फर्स्ट ईयर वाले, वो तो फिर भी एक पल के लिए सोच सकते हैं कि वो रीट का प्री का एग्ज़ाम का फॉर्म भर दे और फिर जब तक उनका मेंस हो तब तक वो सेकेंड ईयर में आ जाए और जब तक उसका रिजल्ट आए तब तक उनका बीएड फाइनल कंप्लीट हो जाए। तो वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है, यदि वो लेट खिसका उसकी डेट आगे पोस्टपोन हुई रीट की, मेंस की या रीट की प्री की, तो उस तरीके से तब तक उनका बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट हो जाए तो फिर वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो चीज़ें टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी बीएसटीसी और बीएड फर्स्ट ईयर वाले आप भर दोगे फॉर्म, तो प्री का तो आप भर दोगे, बाकी मेंस का मैं नहीं कह रही कि मेंस का भर पाओगे या नहीं, क्योंकि वो चीज़ें उस वक्त डिपेंड करेगी कि मेंस में वो किन को ले रहे हैं। लेकिन वहीं बीए बीएड या बीएससी बीएड वाले हैं तो वो तो ओनली फाइनल ईयर में भर सकती हैं, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम्स लगती हैं वो भी नॉर्मल वालों से लेट ही लगती है और उसकी फिर मार्कशीट भी लेट आती है, तो वहाँ पर टाइमिंग का इशू हो जाता है। तब तक मतलब जैसे आप रीट प्री का जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो आपका होना चाहिए बीए बीएड फाइनल ईयर या बीएससी बीएड फाइनल ईयर, ठीक है, फोर्थ ईयर में ही भरते हैं स्टूडेंट्स, ताकि तब तक जब वो रीट मेंस का आए तब तक उनका जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो लग जाए, उनके पास अपनी मार्कशीट आ जाए। ये चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। और यदि इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।